नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो जनरल इंग्लिश का पेपर हुआ था उसकी आंसर की जो आंसर की मैं जो वीडियो लाने में मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफी जाऊँगा बाकी कोशिश पूरी रही थी कि जल्द से जल्द ला पाऊँ लेकिन नहीं हो पाया तो अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं बाकी कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे रखें यदि कोई भी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग या फिर कोई भी इश्यू आ रहा है एजुकेशन संबंधित तो आप इस पर जो आप व्हाट्सअप कर दें या फिर कॉन्टैक्ट कर दें तो चलिए देखते हैं जो आपका क्यू जी पेपर कोड रहा था सत्तर नंबर का पेपर आया था दो घंटे का आपका टाइमिंग रहा था और ये जो बुकलेट है जो डी सीरीज़ की है तो अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन है उसके अनुसार मिलान कर लें जनरल साइंस सॉरी जनरल इंग्लिश का जो तो पेपर रहा था दिसंबर 2022 का इसमें दो जो दो घंटे का टाइमिंग था सत्तर नंबर का पेपर रहा था दो घंटे का टाइमिंग रहा था और इसमें पर क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहा था नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं तो देखते सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर ए, ए, एक दे रखा है डू एज डायरेक्टेड इसमें जो आपको कॉमन नाउन का बता रखा है पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा दे रखा है जो सेंटेंस दे रखा है द क्लास स्टडीज इंग्लिश टूडे तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी इंग्लिश कॉमन नाउन का अगला सवाल है कि विच ऑफ दिस वर्ड इज़ ए नाउन नाउन कौन सा है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैट अगला सवाल है कि विच वर्ड इज द ए प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन बताना था तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है कि विच आर एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव नाउन तो कलेक्टिव नाउन को बताना तो इसमें आपका जो स्टाफ और हार्ड और जो गैंग ऑप्शन सी जो कलेक्टिव नाउन समूहवासक जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है कि जो तो इसमें दिखाना है कि नाउन दैट रिप्रजेंट मोर देन वन पर्सन वेले थिंग और आइडिया आर कॉल्ड तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो पोल नाउन ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर जो कलेक्टिव कर गया वो कलेक्टिव नहीं होगा ऑप्शन सी इसमें सही आंसर अगला सवाल है कि जो विच वर्ड इज ए नाउन दैट नेम्स ए पर्सन इन द सेंटेंस बिलो डेनी लेट डाउन एंड क्लोज हिज तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका पर्सन बताना था उसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला है कि जो पुदरल नाउन आपको जो टूच का दे रखा तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टीच अगला है कि द तो स्काई वाज इसमें जो आर्ट से लगा कर थोड़ा इसमें इश्यू आ रहा है कि क्या इसमें बताना रहता है तो इसमें जो हो सकता है इसमें सवाल अभी थोड़ा कंफर्म नहीं दे रखा है कि पूरा सवाल इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना था इसमें तो जो इसमें मैंने आंसर बता रहा हूँ ऑप्शन डी इसमें स्काई हो जाएगा ऑप्शन जो ना क्वेश्चन नाइन्थ में आपका हो जाएगा पार्क ऑप्शन जो डी है दसवें में हो जाएगा रेनबो इस प्रकार से जो आठ से लगाकर दस तक जो सवाल रहे थे आठ से दस जो सवाल रहे थे तो मैंने इसमें जो नाउन है नाउन का कौन सा ऑप्शन है उस हिसाब से ही किया बाकी इसमें क्लियर नहीं दे रखा है क्वेश्चन भी इस हिसाब से आ रखे हैं तो इसका नाउन के हिसाब से जो मैंने आंसर बताया वही है फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जो ग्यारह से लगा कर पंद्रह तक एडवर्ब सेलेक्ट करना था तो इसमें एडवर्ब बताना कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन जो ग्यारह क्वेश्चन ग्यारह में हो जाएगा शुगर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अगला है कि इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलरली ऑप्शन सी फिर अगला सवाल है कि जो साहिल इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किलली ऑप्शन बी फिर दे आर द लिविंग हैप्पीली तो इसमें भी आपका एडवर्ब बताना तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो हैपीली करेक्ट आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा लाउडली लोडली हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर अगला है कि इसमें जो आपको प्रीपोजिशन बताना था तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन जो सही बैठेगा तो मिस्टर दास ल्यूस इन अमेरिका ऑप्शन जो आपका ए है इसमें करेक्ट आंसर अगला सवाल है कि रौनक वाज लुकिंग एटमी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर अगला सवाल है कि देर आर द देर आर सम द दूट्स इन इन द जो हो जाएगा आपका बास्केट ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर फिर है कि ही इज नाउन दो टू मी तो नाउन के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन रहता है इसमें हो जाएगा आपका टू द वर्ड इसमें जो ओवर ऑप्शन बी ओवर बाई हैड ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर अगला है कि सोच द करेक्ट फ्रॉम द टेंस इसमें टेंस आपको बताना था तो इसमें द फायर द जो हर्ट्स बिफोर द फायर द ब्रिगेड कैम यानी कि इसमें जो आपका पास्ट सिंपल दे है एक साइड और बिफोर आ रेखा दूसरे में आपको जो पास्ट परफेक्ट करना रहता है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट वीफोर के बाद में जो दे रखा है पास्ट सिंपल दे रखा है तो यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट करना रहेगा तो इन्हें इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अगला है कि आई हैव माय वर्क तो इसमें जो हैज़ हैव जो वर्क की थर्ड फॉर्म लेकिन इसमें परफेक्ट का नहीं दे रखा है तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी डन माई वर्क आई हैव आ रखा है और थर्ड फॉर्म फिर जो आई हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म में लग दे इसमें हो जाएगा डन अगला है कि जो डू नॉट मेक के नॉइज सी इज स्लीपिंग दो टेंस दे रखा है इसमें आ जाएगा आपका प, जो प्रजेंट विल यू डू जो टू सी ए मूवी जो आपका फ्यूचर टेंस का दे रखा है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर अगला है कि दे हैव गॉन टू सिमिलर लास्ट ईयर लास्ट ईयर आ रखा है यानी कि पास्ट का ही है तो इसमें एडवर्बियल जो पास्ट टेंस की आ रखी है तो ऑप्शन बी इसमें जो हो जाएगा हैव हैवगौन पास्ट का इसमें नहीं दे रखा है जो ऑप्शन बी आपका हैव हैवगॉन करेक्ट आंसर अगला है कि ही हैज बीन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है वाटरिंग अगला सवाल है द ऑलवेज तो इसमें आपका गेट्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अगला है सिंस दे इसमें भी आपका जो प्रजेंट परफेक्ट दे रखा है और वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो इसमें आपका जो पास्ट का पास्ट हेड आ जाएगा तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर अगला सवाल है जो आई होप दी दिस रॉड बाई द टाइम वी कम बैक नेक्स्ट समर नेक्स्ट समर आरखा है यानी कि जो एडवरबिल आपकी लग रखी फ्यूचर टेंस की तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अगला है कि द जो इसमें प्रोनाउन स्लेट करना था तो इसमें प्रोनाउन कौन सा आएगा तो रिया फॉरगेट हर ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर अगला है कि ही बिलोंग तो इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉय अब इसमें ग्रुप ऑफ़ द बॉय आ रखा है और उस बॉय में जो मोस्ट इंटेलिजेंट है तो यानी कि इसमें ही आ जाएगा जो सी वगैरह करके आया तो वो गलत है और हिज और इट तो वैसे भी नहीं आना है। फिर आता है सिमरन इज़ टॉकिंग द डांस क्लासेस एट हर होम सी इट आना नहीं हिज वैसे भी नहीं आएगा फीमेल तो उसमें आपका आ जाएगा हर ऑप्शन ए रितिका इज़ हेल्पिंग अब ये दैर इसमें होगा नहीं जो दैर हायर वाला ये हो गया तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी दैर फिर है किड्स आर ईटिंग दैर इसमें भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा अगला है जो व्हाट डिड दे डू अबाउट द कार ऑप्शन बी इसमें आपका जो करेक्ट आंसर फिर अगला सवाल आ जाता है जो इसमें दे रखा है दोपैसी वॉइस सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाज डी जो बिंग वोड बाई द सर्वेंट ऑप्शन बी फिर है जो डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फिर ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स इसमें भी आपका ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट आंसर द बॉक्स कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम राहुल विल पास द मैसेज इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो विल का इसमें जो अगर वुड किया जाए तो इसमें करेक्ट आंसर आपका विल बी जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा जो वुड बी वाला करके है वो गलत है ऑप्शन विल बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा फिर अगला सवाल है कि हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आई वाज सेटिस्फाइड विथ हीज़ हार्ड वर्क विथ आ गया तो इसके साथ में भी जो सेटिस्फाइड आ रखा है तो इस वजह से जो विथ लगा है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर फिर जो पैसेज आ गया तो पैसेज तो पैसे में डायरेक्ट आंसर ही ऑप्शन इज दो वॉट इट्स द विलीफ ऑफ द पीपल रिगार्डिंग जो पार्टिसिजम तो ऑप्शन सी इसमें दो इट इज़ ए पार्ट ऑफ हुन इंसेंट्स ऑप्शन सी इसमें करेक्ट और इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अगला है जो इसमें ऑप्शन ए e, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी दे रखा है नॉट टेम्परेट विथ रीजन फिर ऑपजिट बताना था ऑपोजिट टू पॉजिटिव तो इसमें आपका ऑप्शन सी है नेगेटिव अगला फिर से पैसेज दे रखा है सियालीस लगाकर पचास तक तो पैसेज में ऑप्शन जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सियालीसवें में डी अगला है जो सैतालीस सैतालीस में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा से में ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर और जो उन से में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन डी फिर जो पचासवें में हो जाएगा ऑप्शन बी फिर आगे दे रखा है आर्टिकल सेलेक्ट है तो इसमें आपका जो लैंग्वेज तो नो आर्टिकल ऑप्शन डी फिर इंजीनियर तो वोवल आ रखी है तो एन एन इंजीनियर ऑप्शन बी वन वन के साथ में अब आगे जो ओ आ रखा है तो साउंड जो आ रखी है वो स्वर की नहीं आ रही तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो एन कर गया है वो गलत है ऑप्शन ए e है जो करेक्ट आंसर अगला वेलकम इन ए डे और टू ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर पचपनवा है यू स्पीक द ट्रूथ तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिर सप्पनवा में है कि दव और दव में दव दव है द और द दोनों में द द आ जाएगा वी हैड द वेरी नाइस मील द जो वेजिटेबल वर्ड तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों में द करना है अगला है इसमें भी आपका दोनों में जो द और द आएगा अट्ठावनवे में द और द अगले में है जो उनठवा इसमें भी आपको और द ही करना था अगले में द एंड ऑप्शन सी इसमें भी द एंड हो जाएगा फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो आपका विशेषण तो इसमें आपका ब्लू ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर फिर है इंटेलिजेंट वॉय यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर फिर इसमें यह दे रखा है ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर फेवल स्टेट तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट एंग्री ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बिग हाउस ऑप्शन डी बिग जो आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर आगे है जो वॉइस लाउड वॉइस ऑप्शन बी इसमें जो करेक्ट आंसर हेल्थली हैबिट्स तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंसी ऑप्शन वी मैरिड वूमेन तो इसमें करेक्ट आपका सी इस प्रकार से आपके सवाल रहे थे और आई होप आपने जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सभी अटेंड किए होंगे बाकी जो भी इश्यू वगैरह था आप कमेंट बॉक्स में बता दें बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय भारत